नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पोड़ी राछा में आज से कलश यात्रा के साथ शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ की शुरुआत किया गया। इन दिनों गांव के लोगों आस्था में डूबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से संतों का अखाड़ा लगा हुआ है। शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ नवकुंडली महायज्ञ होने जा रहा है एवं भव्य गुफा कैलाश गुफा बनाया गया है, जिसका नजारा अद्भुत दिखाई दे रहा है। संतों का मानना है कि जिस धरती पर संतों का आगमन होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। इसी कड़ी में पोड़ी शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ 31 दिसंबर से प्रारंभ होकर 7 जनवरी तक समापन होगा, जिसमें गांव के लोगों ने इस यज्ञ को कराने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां किया है एवं भोलेनाथ कैलाश गुफा की आरती पूजा के साथ साथ संतों द्वारा 33 कोटि देवी देवताओं के मंत्र जाप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरती संतों द्वारा ही कराया जा रहा है। जो गुफा बना है वह देखने लायक है, अभी तक ऐसा गुफा नहीं बनाया गया है। लोगों का मानना है कि इस गुफा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग इस गांव में पहुंच रहे हैं और गाँव वालों को बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है तथा यज्ञ स्थल और कैलाश गुफा को बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा इस यज्ञ के साथ साथ वृंदावन से कृष्णा लीला आए हुए हैं तथा भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है तथा इस यज्ञ को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं तथा लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यज्ञ में सुबह से लेकर शाम तक शिव जी का भंडारा लगा हुआ है। योगेंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।